Leukemias are defined as malignant neoplasm characterized by a disorderly, purposeless proliferation of WBC. अभी क्यों कहा है disorderly, purposeless? क्योंकि हम actually चाहते हैं कि WBC का proliferation हो कुछ cases में. That is purposeful and orderly. कब? जब infections हो, जब trauma हो, तो सब WBCs ही तो आते हैं protection के लिए. Neutrophil, eosinophil, macrophages, ठीक है? ये सब WBCs है. तो वी वॉन्ट देयर प्रोलिफरेशन, बट जब डिसऑर्डरली और पर्पसलेस प्रोलिफरेशन होगा, मेलिग्नेंट न्यूप्लाजम्स आर फॉर्म्ड एंड उसको कहते हैं ल्यूकेमिया विद एन ओवर अबंडेंस ऑफ वन सेल टाइप. ठीक है, इसमें एक सेल टाइप कुछ ज्यादा ही डेवलप होगा. हो सकता है न्यूट्रोफिल ज्यादा हो सकता है लिम्फोब्लास्ट ज्यादा हो. ठीक है, अभी देखेंगे इसके टाइप्स. इसमें कैसे होगा, जेनेटिक म्यूटेशन से होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो सकता है, या एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन से हो सकता है. तो क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, देखो, डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, आरबीसी भी कम हो रहा है, तो आरबीसी के कम होने से क्या क्या होता है, इसलिए देखो मैंने फिर से क्लिनिकल फीचर्स पहले डाले. ठीक है, क्योंकि ये क्लिनिकल फीचर्स कॉमन है, ये हर टाइप के ल्यूकेमिया में होंगे, क्योंकि आरबीसी प्रोडक्शन कम होगा, डब्ल्यूबीसी कम होगा, प्लेटलेट कम होगा और हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा. आरबीसी कम होने से क्या होगा, एनीमिया. एनीमिया में क्या होता है, फटीग, हेडेक, डिजीनेस, कॉमन चीजें. ठीक है, ये तो होंगी. फिर डिक्रीज्ड डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन से क्या होगा, देखो यहाँ क्या लिखा है, डिक्रीज्ड आरबीसी प्रोडक्शन, यहाँ पे लिखा है डिक्रीज्ड नॉर्मल डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन. तो नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कम है, एबनॉर्मल बढ़ रहे हैं. ठीक है, ल्यूकेमिया में डब्ल्यूबीसी बढ़ रहे हैं, बट दैट इज एबनॉर्मल. तो उस नॉर्मल डब्ल्यूबीसी कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, मोर ससेप्टिबिलिटी फॉर इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन से डब्ल्यूबीसी फाइट कर रहे थे, फीवर से फाइट कर रहे थे तो फीवर ज्यादा हो गया. इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड हीट इनटॉलरेंस, क्योंकि जो बॉडी का हीट मेंटेनिंग कैपेसिटी है वो भी डब्ल्यूबीसी मीडिएट करते हैं, है ना. तो वो कम है, तो फिर से जो ये हीट और स्वेटिंग टॉलरेंस है ये कम हो जाएगा. डिक्रीज प्लेटलेट प्रोडक्शन, प्लेटलेट की वजह से क्लॉटिंग मैकेनिज्म चल रहा था तो क्लॉटिंग प्रॉब्लम हो जाएंगी. और एडिशनली क्या होता है, हाइपर मेटाबॉलिज्म. ये कॉमन फीचर्स हुए. अब मैं बताती हूँ टाइप्स के बारे में. ठीक है, फोर मेजर टाइप्स हैं ल्यूकेमिया के, एक्यूट माइलोसाइटिक, क्रॉनिक माइलोसाइटिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक. हम इसको ब्रेक करके देखेंगे. ठीक है, एक्यूट या क्रॉनिक, जो फर्स्ट वर्ड के हिसाब से दो तरह के हो सकते हैं, एक्यूट या क्रॉनिक. अब एक्यूट कौन सा होगा, जो शॉर्ट ड्यूरेशन में हो गया और ज्यादा सीवियर होगा. क्रॉनिक लॉन्ग ड्यूरेशन में होगा पर कम सीवियर होगा, है ना. तो एक्यूट यूजुअली अपन को देखने ही मिलेगा लेस एज ग्रुप, मतलब चिल्ड्रंस में, बच्चों में, कुछ इन्फेंट्स में है, कुछ बच्चों में है, वो एक्यूट. ठीक है, और क्रॉनिक हमेशा ज्यादा एल्डरली पेशेंट्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, ये एक डिफरेंस हो गया. फिर ये हुआ फर्स्ट वर्ड की बात, या तो और एक्यूट ज्यादा सीवियर होगा बच्चों में मिलेगा, क्रॉनिक बड़ों में मिलेगा और लेस सीवियर होगा देखने में. ठीक है, जो प्रेजेंटेशन. अब नेक्स्ट सेकेंड वर्ड पे आओ, या तो माइलोसिटिक हो सकता है, माइलोसिटिक एक्यूट या क्रॉनिक, या फिर लिम्फोसाइटिक हो सकता है एक्यूट या क्रॉनिक. अब माइलोसिटिक क्या है, माइलोसिटिक मतलब अपन ने पढ़ा था ना ओवर अबंडेंस ऑफ वन सेल, एक तरह का सेल ज्यादा है, तो इसमें माइलोसाइट्स ज्यादा है. माइलोसाइट्स क्या है, न्यूट्रोफिल का प्रिकर्सर. ठीक है, तो एक्यूट माइलोसाइटिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल है, एक्यूट फॉर्म में हो रहा है. क्रॉनिक माइलोसाइटिक बहुत ज्यादा न्यूट्रोफिल है पर क्रॉनिक फॉर्म में हो रहा है. देन एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, दूसरे तरह का सेल आया लिम्फोब्लास्ट. लिम्फोब्लास्ट जिसमें ज्यादा है अगर एक्यूट फॉर्म में हो सकता है, लिम्फोब्लास्ट जिसमें ज्यादा है क्रॉनिक फॉर्म में. ऐसे करके चार टाइप्स हो गए. ठीक है, इनके बारे में कुछ कुछ हमें पहले से इन्फॉर्मेशन मिल गई है. जैसे एक्यूट कम एज में होगा, ज्यादा सीवियर होगा और न्यूट्रोफिल्स ज्यादा होंगे. क्रॉनिक माइलोसाइटिक में बड़ी एज में होगा, एल्डरली पेशेंट्स में होगा, लेस सीवियर. मतलब देखो सीवियर तो है ही, वो ल्यूकेमिया है, इट्स अ मैलिग्नेंसी, बट कंपेयर टू एक्यूट फेज लेस सीवियर होगा और इसमें भी न्यूट्रोफिल्स होंगे, है ना. फिर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक, एक्यूट फॉर्म होगा, बच्चों में होगा, ज्यादा सीवियर होगा, लिम्फोब्लास्ट ज्यादा होंगे. क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक एल्डरली पेशेंट्स में होगा, लेस सीवियर होगा और लिम्फोसाइट्स ज्यादा होंगे. ठीक है, दैट इज द क्लासिफिकेशन. चलो अब पहला देखते हैं, एक्यूट
अब जो एक्यूट क्रॉनिक का मैंने डिफरेंस बताया था, ठीक है, एक्यूट ज्यादा सीवियर है बच्चों में है, उसके सिम्टम्स अलग दिखेंगे और जो क्रॉनिक है उसके अलग दिखेंगे, ठीक है। तो अपन एक्यूट के देख लेते हैं, इसमें दोनों तरह का एक्यूट आ रहा है, AML एक्यूट माइलोसाइटिक भी, ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक, ठीक है, एक्यूट माइलोसाइटिक एक्यूट लिम्फोसाइटिक, AML ALL दोनों में कॉमन फीचर्स क्या होंगे, एक तो जिंजाइवल चेंजेस, ठीक है, पर्पलिश अपीयरेंस, अल्सरेशन, नेक्रोसिस, म्यूकोसल अल्सरेशन, ल्यूकेमिक डिपॉजिट, जो ट्यूमर लाइक मासेस दिखेंगे माउथ में और सलाइवरी ग्लैंड्स में, एनीमिया, म्यूकोसल फेलियर, सर्वाइकल इंफर्टिलिटी। इट्स नॉट टफ टू रिमेम्बर, ठीक है, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस हो रहे हैं जिंजाइवा में, म्यूकोसा में और ल्यूकेमिक डिपॉजिट, ठीक है, क्योंकि सीवियर है ना, इसलिए अल्सरेशन तो होना ही था, नेक्रोसिस होना ही था, और फिर एनीमिया और सर्वाइकल इंफर्टिलिटी, इतना ही है। अब क्रॉनिक, ये इसकी पिक्चर देख लो, ठीक है, इससे याद रहेगा, ये है ल्यूकेमिक डिपॉजिट्स जो कि एक्यूट फॉर्म में हो रहे हैं और कैसा पर्पल ब्लैक दिख रहा है, ओके, अल्सरेशंस दिख रहे हैं यहाँ यहाँ पे, टिप्स पे नेक्रोसिस दिख रहा है। नेक्स्ट जो क्रॉनिक होगा, अब क्रॉनिक का पिक्चर देखो, इतना सीवियर अपीयरेंस नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ल्यूकेमिक सेल्स नहीं है, देखो स्वेलिंग है, टूथ इज एंटायरली कवर्ड ऑलमोस्ट, ठीक है, पर इसका कलर उतना डार्क नहीं दिख रहा है, ऊपर से नेक्रोसिस इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, राइट, पर इन्फ्लेम्ड तो है ही। तो इसमें फीचर्स क्या होंगे, ओरल म्यूकोसल अल्सरेशन इसमें भी है, नेक्रोसिस नहीं है, ठीक है, डीप पंच्ड आउट व्हाइट ग्रेश व्हाइट नेक्रोटिक बेस, बेस नेक्रोटिक है, पूरा लीजन नेक्रोस नहीं हुआ है, और इसमें क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक है, तो लॉन्ग टाइम तक कुछ रहेगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो ओरल कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन हुआ तो, वायरल इन्फेक्शन हुआ तो हर्पेटिक इन्फेक्शन हो जाएगा, जो सबसे कॉमन वायरल है, सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, फिर जिंजाइवा और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग्स इसमें भी दिखेंगी, तो डिफ्यूज बॉगी नॉन टेंडर ओरल सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, और जिंजाइवा में भी डिफ्यूज जिंजाइवल इनलार्जमेंट दिखेगा, ठीक है, ये जो था ना, ये डिफ्यूज जिंजाइवल इनलार्जमेंट है, देखो कितना ज्यादा इनलार्जमेंट, जो इनलार्जमेंट है दैट कैन बी मैलिग्नेंट ऑल्सो, ठीक है, क्योंकि मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है, तो ग्रैनुलोसाइटिक सार्कोमा या एक्स्ट्रा मेडुलरी माइलॉइड ट्यूमर, ये दो WBC प्रोलिफरेशन वाले सार्कोमा है। फिर क्योंकि ये लॉन्ग स्टैंडिंग है, बहुत टाइम तक क्रॉनिक, और ओरल कैविटी में इन्फेक्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली पेरियापाइकल इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगा, पेरियोडोंटल भी हो जाएगा, ठीक है, और क्योंकि ये जो भी ब्लड वेसल्स का, ब्लड कॉर्पस्कल्स का सिंड्रोम होता है, डिजीजेस होते हैं और क्रॉनिक होते हैं, लंबे समय तक चल रहे हैं, तो कहाँ पे स्प्लीन पे इफेक्ट करता है ना, क्यों, क्योंकि स्प्लीन में इज द ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स, वहां पर सारे ब्लड कॉर्पस्कल्स जाते हैं, तो स्प्लीनोमेगैली और हेपेटोमेगैली हो जाता है। तो इसमें क्या क्या हुआ, अल्सर्स हुए, नेक्रोसिस ज्यादा नहीं हुआ, इन्फेक्शन हो गए क्योंकि इतनी देर तक था, तो कुछ फंगल इन्फेक्शन मतलब कैंडिडियासिस, वायरल इन्फेक्शन मतलब हर्पीस, ओरल कैविटी के इन्फेक्शन मतलब या तो पेरियोपाइकल इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस या पेरियोडोंटल एल्वियोलर बोन डिस्ट्रक्शन, ये हो जाएगा, और एडिशनली क्योंकि ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं तो स्पीनोमेगैली हेपेटोमेगैली हो जाता है। फिर जो अपन ने एक्यूट में पढ़ा था कि जिंजाइवल स्वेलिंग और सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, जिंजाइवल इनलार्जमेंट, ये हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया एक्यूट और क्रॉनिक का डिफरेंट और डिफरेंट फीचर्स। अब हम एक एक को थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे AML एक्यूट है, माइलोसाइटिक है, ठीक है, डिफाइंड एज माइलोप्रोलिफरेटिव, माइलोप्रोलिफरेटिव डिजीज, देयर आर प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल्स इन द बोन मैरो एंड सर्कुलेशन। प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल्स मतलब जो फॉर्मेटिव सेल्स हैं वो बोन मैरो में भी ज्यादा होंगे, सर्कुलेशन में भी ज्यादा होंगे। एनालिसिस ऑफ बोन मैरो ब्लड स्मियर शोज डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लास्ट सेल इंडिकेटिंग हिट्रोजेनस डिजीज, कई तरह के ब्लास्ट सेल्स दिखेंगे, और देखो मैंने कहा था एक्यूट कम एज ग्रुप में होता है, पर ये वाली डिजीज कम एज ग्रुप में तो होती ही है, पर 50 इयर्स के बाद भी आ सकती है, तो AML में एक एक्सेप्शन है, 50 इयर्स के बाद भी हो सकती है, मेन एज ग्रुप 15 टू 20 इयर्स ही है, ठीक है, एक्यूट फेज वाला। नेक्स्ट CML, अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा, देखो पीक एज 40 टू 50 इयर्स, इसमें ये मेल्स में ज्यादा होता है,
और नियोप्लास्टिक डिसीज यूनिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटी है, उस क्रोमोसोम को कहेंगे, डिफेक्टिव क्रोमोसोम को कहेंगे फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, और यह है क्रोमोसोम नंबर 22। ठीक है, इसमें एक्सेसिव अपेरेंटली अनरेस्ट्रेन प्रोडक्शन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स होगा बोन मैरो में, अदर हेमेटोपोएटिक ऑर्गन्स। फिर ALL एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया अराउंड 4 इयर्स, देखो कितना छोटा है एज ग्रुप। मेजर नियोप्लास्टिक डिसीज ऑफ चाइल्डहुड, मेल फीमेल इक्वल है इसमें, और ये जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकता है, हेरिडिटरी या एनवायरमेंटल भी हो सकता है। फिर क्रॉनिक, देखो फिर से क्रॉनिक आ गया, पीक इंसिडेंस एज बढ़ गई 50 to 60 years, कॉमन इन मिडिल एज एंड एल्डरली पीपल। लिम्फो प्रोलिफरेटिव, देखो वो माइलो प्रोलिफरेटिव था, माइलो साइट ज्यादा थे, ये लिम्फो ज्यादा है ना। कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ इंक्रीज नंबर ऑफ स्मॉल फेयरली नॉर्मल लुकिंग लिम्फोसाइट इन ब्लड बोन मैरो एंड लिम्फ। सो ये हमारा इजिली ल्यूकेमिया